हेलो एवरीवन, आज हम जवाबी कार्ड जो दीनानाथ नादिम की कश्मीरी कहानी है उसके पात्र की बात करेंगे। पात्र जो है मेरे टाइम में तो ये कहानी के जो पात्र हैं वो एक असाइनमेंट के क्वेश्चन की तरह आया था, आप लोगों के एग्ज़ाम में देखिए कैसा आता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, अच्छा एग्ज़ाम देना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो इस पूरी कहानी में सिर्फ दो ही पात्र इम्पॉर्टेंट, एक गुल साहब दूसरे जूनदार, ठीक है। तो इस चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र जो है गुल साहब है, मगर वह पूरी कहानी में बस गांव वालों की चर्चा में उपस्थित रहता है, प्रत्यक्ष रूप से आता है तब भी उसका कोई संवाद नहीं है, मगर हर जगह उसी की चर्चा है, उसी के बारे में बातें, उसी के गुणों का बखान है। शुरू से लेकर अंत तक कहानी के केंद्र में रहता है और जून दैद और गांव के दूसरे पात्रों की बातचीत से उसके गुणों के बारे में पता चलता है कि गुल साहब बहुत सुंदर, सजीला, रोबीला नौजवान है, मिलनसार है, इसलिए सब उसे चाहते हैं। जब से फौज में भर्ती हुआ है लोगों का उस पर गर्व बढ़ गया है। कहानी में उसके व्यक्तित्व का वर्णन यूं आता है, फौजी जवान, हष्टपुष्ट, चौड़ा सीना, फैले हुए गोल कंधे और सुंदर चाल ढाल वाला, जैसे कोई फिरंगी कप्तान हो, है ना। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना। वह बिना किसी के भय के झूमता हुआ चल रहा है। जैसे ही ऊपर गांव में पहुंचा, सारे जो बच्चे हैं घेर लिए और फिर उसके टांगों से लिपट गए। कोई उसकी जेब में टटोलने लगा, कोई उसे बंदूक को नखूनों से खरोचने लगा, है ना, कोई उसकी जेब को टटोलने लगा, कई उसकी बंदूक को नखूनों से खरोचने लगे। वह बहादुर निष्ठावान सिपाही, उसकी बहादुरी का बखान जूनदत्त की बातों में है। सुनो वासा, आज गुल्ला ने चिट्ठी लिखी। वासा जो है ना, वास पंडित है, है ना, लिखा है कि उसने एक दिन में 17 कवालियों को मार दिया। अरे जमाल मीर, आज हमारी 10 पुस्तों की मेहनत, ये कौन गर्व कर रहा है, जूनदाद गर्व कर रही है। रंग लाई है, गुल साहब जैसा सपूत हमारे यहाँ पैदा हो, उस समय पूरे कश्मीर की रक्षा कर रहा था। इस कहानी में यही है कि जूनदाद ना इसको गुल साहब को पालती पोसती हैं, फिर गुल साहब आर्मी में चले जाते हैं और गुल साहब आर्मी में जाने के बाद उन पर ना पूरे गांव को गर्व होता है, क्योंकि वो कश्मीर की आज़ादी, देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे होते हैं। और उस पर क्या होता है कि उस पूरे गांव में ना लोग आपस में एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, मिला मतलब ऐसा धर्म को लेकर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता। तो उसी को उस पूरी कहानी में दिखाया गया और किस प्रकार गुल साहब का व्यक्तित्व है उसका वर्णन किया गया है। इससे पहले इस कहानी की मैंने ना एक और वीडियो बना रखी है जिसमें इस पूरी कहानी का सार मैंने बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को पहले देख लें, फिर आपको ना ये जो करेक्टर हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सिर्फ यही दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है ना, और क्योंकि इस एग्ज़ाम में कोई भी छुट्टी नहीं है तो आपको ना ये पूरे चैप्टर्स ना एक ही दिन में कवर करने में हेल्प हो जाएगी। इस तरह गुल साहब के व्यक्तित्व धीरोदत्त नायक का है, धीर, गंभीर, बहादुर, उदार और सौम्य। यही वजह है कि सभी लोग उससे प्यार करते हैं। इस बीच गुल साहब भी नदी से मुंह धोकर आ गया। जो ही वो निकट पहुंचा, कई लोग गले मिलने और कई चूमने लगे, कोई उसे आसपास जमा हो गया। फिर जब वह वर्दी पहनकर बंदूक लिए हुए निकला तो सभी लोगों के सीने खुशी से फूल गए। सभी ने उसे दुआएं दी, उसकी रक्षा के लिए प्रार्थना करते हुए उसे पीछे पीछे 4 मील तक गांव से बाहर साथ आए। जब वह सायदार वृक्ष से निकलकर आँखों से ओझल हुआ तो लोग वापस लौटे। इस तरह जब उसका खाली जवाबी कार्ड गांव वालों को मिलता है तो उसमें एक तरफ अपना चहेता नौजवान, एक बहादुर सिपाही खोने की आशंका है, तो दूसरी तरफ यह गर्व का भाव भी कि उसके गांव का एक सिपाही देश की रक्षा करते हुए शहीद हुआ, है ना। जूनदाद के बारे में अब हम पढ़ेंगे, उसी तरह जूनदाद के बारे में क्या लिखा है कि कहानी का दूसरा जो प्रमुख पात्र है वो जूनदाद है और गुल साहब के बाद जिस पात्र की कहानी में सबसे अधिक चर्चा हुई वो जूनदाद है। पूरा गांव जैसे उनके इर्द गिर्द घूम रहा है, कोई भी बात हो गांव के लोग जूनदाद के आसपास मंडराते नजर आते हैं। ऐसा केवल इसलिए नहीं कि गुल साहब जैसे नायक की माँ है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो स्नेहमयी हैं, मिलनसार हैं, सबके दुख सुख में काम आने वाली हैं। पूरे गांव की माँ, दादी, नानी, भारतीय ग्रामीण समाज का प्रतिनिधित्व
का पात्र हमें उसमें देखने को मिलता है उनके करेक्टर में। उनकी ममता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुल साहब उसका कोई सगा नहीं है। किसी को नहीं पता कि गुल साहब उसे कब कहाँ मिले, उन दिनों दोनों का वास्तव में रिश्ता क्या है, मगर वह गुल साहब पर जान छिड़कती है। उसके बिना उसका रहना मुश्किल है। उसके पालन पोषण प्यार दुलार संस्कारों का ही नतीजा है कि गुल साहब एक सजीला रोबीला संस्कारी बहादुर सिपाही बना है, जिस पर पूरे गांव नहीं बल्कि पूरे देश को अभिमान है। और गुल साहब जूनदैद का क्या संबंध है किसी को नहीं मालूम। यह भी ऐसा ही बात है थी कि कुछ लोग कहते थे कि यह जूनदैद का भांजी का बेटा का पुत्र है, भांजी का पुत्र है, तो कुछ लोग कहते थे कि यह उसका पोता है, परंतु अधिक लोगों का यह विचार है कि बच्चा जूनदैद को मखदूम साहब की सीढ़ियों पर मिला था। खैर इसमें क्या संबंध है, हमें इससे क्या लेना है ना। और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, इसमें इस ज़माने के लोगों में अपने सगे भी बुढ़ापे में साथ नहीं देते। गुल साहब का जूनदैद से लगाव एक मिसाल है। जूनदैद ने एक पराए बच्चे को अपने सगे की तरह पालन पोषण किया और उस पर जान न्योछावर करती रही। यह कम ही लोगों में देखा जाता है। इस तरह जूनदैद का व्यक्तित्व तो ना सिर्फ एक ममतामयी स्त्री बल्कि साहसी उदार महिला के रूप में हमारे सामने आता है। कहानी में आए वर्णनों से जाहिर होता है कि यह एक निपट गृहिणी हैं और घर पशु में खुद को व्यस्त रखने वाली हैं, लेकिन देश दुनिया की खबरों से अनजान नहीं है। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को वो बखूबी जानती हैं, इसलिए तो ना सिर्फ गुल साहब की ममतावश याद करती हैं बल्कि उसे उस पर भी इसलिए भी गर्व है कि अपने देश की रक्षा करने गया है। और बाकी फिर इस कहानी में और कोई अन्य मुख्य पात्र नहीं है, बाकी अन्य पात्र हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने से ही ना ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पढ़ के आपको बताऊं। जो दो मुख्य इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थे वो मैंने आपको बता दिया। आप एग्ज़ाम में इतना ही लिखना, इससे बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। लास्ट लाइन हम पढ़ते हैं, इस कहानी को पढ़कर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कश्मीरी समुदाय केवल एक जाति धर्म को मानने वाला ही नहीं, इस सभी समुदाय को लोग इस तरह मिले जुले हैं, एक दूसरे के साथ एक इस कदर जुड़े हुए हैं कि राजनीतिक स्वार्थ के चलते भले उन्हें अलग करने की कोशिश किया जाता हो, वे दिल से आपस में जुड़े हुए हैं। कश्मीरी समुदाय मूलतः शांतिप्रिय सरल निश्चल स्वभाव के लोग रहते हैं और वह स्वभाव पहाड़ी वातावरण की वजह से भी है। तो इस प्रकार इस कहानी में हमने बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। एक कहानी का प्रतिपाद्य, दूसरा कहानी के मुख्य बात, तो कहानी का परिवेश हमें इस प्रतिपाद्य से भी पता चल जाता है। तो इसी के साथ एक कहानी ख़त्म होती है। आप प्लीज़ मेरे जो चैनल है उसको सपोर्ट करें सो दैट मैं आपके लिए सभी चैप्टर्स को जल्दी से कवर कर दूँ। थैंक यू।